नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम्स किचन में। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी। भरवा भिंडी के लिए मैंने सामग्री क्या ले रखी है वो हम आपको दिखा दें। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम भिंडी ले रखी है। भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको अच्छे से सुखा लिया है, मतलब कि पोंछ लिया है। इसमें पानी नहीं है, इसको अच्छे से मैंने धोया है, साफ किया है और इसका मैं साइड साइड का मैंने कट कर दिया है। जैसा कि मैंने 2 पीस रखा हुआ है वो हम आपको कट करके दिखा रहे हैं कि इसको कैसे कट करना है। तो सबसे पहले चाकू लेना है और इसको इस तरीके से किनारे का निकाल देना है, इस तरीके से। चलिए हम आपको मसाले दिखा देते हैं। भरावन के लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है वो दिखा दें। भरवा भिंडी के लिए मैंने यहाँ पे जो खास चीज़ है वो है बेसन। बेसन यानी कि जो भुना हुआ चना होता है उसी का पाउडर मैंने बना के लिया है। भुने हुए चने का पाउडर मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें, उससे भी काम हो जाएगा। बेसन रोस्ट करके भी या बेसन, तो ये मैंने 4 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर ले लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, 1 नींबू ले लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च, 10 से 15 कली लहसुन के, और ये मैंने लिया है कलौंजी मसाला। जो भरवा मसाला मिलता है ये वही है। और मैंने ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच पूरा भर के लिया है इस तरीके से। और अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करेंगे, तो मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। अगर आपको कम लगे तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। बस मसाले हमें इसमें इतने ही डालने हैं, इससे ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने हैं। अगर आपको और तीखा डालना है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अभी से फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक चॉपर ले लेंगे इस तरीके से, और इसमें मैं सारी सामग्री डाल दूँगी। जैसे मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, अदरक का टुकड़ा, और ये लहसुन इसमें डाल देंगे। इसे आप चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं या आप ग्राइंडर में डाल के भी थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत फाइन पेस्ट हमें नहीं, ये चॉपर आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। मैंने इसको मेरे ढक्कन को बंद कर दिया है और इसको इस तरीके से पीसते हुए इसको हम चॉप करेंगे। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, हमको ये इसी तरीके से चाहिए। तो अब इसे हम, और इसी बेसन में मुझे भुने हुए चने के पाउडर में ऐड करनी है, और इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। करीब 1 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस डालना है, और आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें ये मसाले भी हम ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब भिंडी को इस तरीके से हम बीच से कट लगा लेंगे, ये देख सकते हैं। बहुत धीरे से कट करना है अपने हाथ को बचाते हुए, और इस तरीके से इसको फैला देना है जिससे इसमें मसाले अच्छे से भर जाएं। इस तरीके से सारी भिंडी को हमें कट कर लेना है। ये देख मैंने सारी भिंडी में कट लगा लिया है, और अब इसको पहले, सबसे पहले इसको हम भर के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से खोलेंगे इसको, सारी भिंडी को मैंने भर के तैयार कर लिया है। और ये मैंने छोटे छोटे टूथपिक को कट करके मैंने छोटे पीस बना लिया है, और अब इसको हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे जिससे इसमें से मसाले सारे ना निकल जाए। मैंने टूथपिक लगा दिया है, इससे क्या हुआ कि जो भिंडी में मैंने मसाले भर रखे हैं वो मसाले तेल में नहीं निकल के जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो थोड़े जाएंगे, बाकी कुछ मसाले भिंडी के अंदर रह जाएंगे। तो अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप इसे धागे से भी बांध सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम पकने के लिए रखते हैं। मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है और उस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि जब भी कोई भरवा बनाए, चाहे करेला का भरवा बनाए, परवर का बनाए, भिंडी बनाए, तो इन सारी चीज़ों में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आप चाहें तो कम में भी बना सकते हैं, लेकिन ये करेंगे देख सकते हैं मैंने कितना तेल डाला है इसमें। करीब 4 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है इसमें, और तेल को गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। सबसे पहले हम तेल में डालेंगे 1 पिंच हींग, देख सकते हैं, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। तेल गर्म हो चुका है,
जीरा अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम ये भिंडी डाल देंगे। इसको इस तरीके से आराम से डालना है और भिंडी को पहले हम धीमी आंच में पकाएंगे, उसके बाद इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ढक के पकाएंगे। उसके बाद इसे हम ये बचा हुआ थोड़ा सा मसाला इसको भी मोकर से डाल देंगे। सूखी नमक डाल देंगे जिससे इससे क्या होगा कि हमारी भिंडी आसानी से पक जाएगी। नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मसाले में नमक है, तो नमक ज़्यादा हो सकता है। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो भरवा भिंडी का सारा टेस्ट खराब हो सकता है। चलिए अभी इसे कुछ नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा ढक देना है, ढक के फ्लेम को धीमा कर देना है। अभी मैंने इसे और इसे हम 2 मिनट 800 पे पकने देते हैं, उसके बाद इसे हम खोलेंगे और फिर से हम चेक करेंगे। चलिए अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं भिंडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और देख के भी लग रहा है कि भिंडी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको हम धीरे धीरे से पहले इसको सारी भिंडी को अच्छे से पलट देंगे। ये देख सकते हैं एक तरफ बहुत अच्छे से ये गोल्डन हो गई है, तो अब हमें ये दूसरी तरफ गोल्डन करना है। और जब तक ये हम गोल्डन करेंगे भिंडी हमारी अच्छे से पक जाएगी। इस तरीके से हमें चारों तरफ भिंडी को एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। सारी भिंडी को मैंने पलट दिया है, जो भिंडी हमारी किनारे थी साइड में थी उसे मैंने बीच में कर दिया है। और अब इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। ये देख सकते हैं भिंडी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और भिंडी हमारी पक भी गई है। हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा टूथपिक लिया है और इसको मैं इसमें डाल के देखूँगी। देखिए कितना आराम से इसमें चला गया, भिंडी एकदम अच्छे से पक गई है। और ये पकने में करीब 5 मिनट लिया है। और जैसा कि आपको अभी दिख रहा है इसी तरीके से हमें भिंडी को रखना है। बहुत ज़्यादा अगर हम इसे डार्क कर देंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए धीमी आंच में इसे हम 2 मिनट और पका देंगे। उसके बाद भिंडी का कलर हम ऐसे ही रहने देंगे। जो किनारे भिंडी थी उसे हम बीच में कर देंगे जिससे वो भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये देख सकते हैं बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर आप लोग को मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। और मैं ऐसे ही आसान सी रेसिपी आपके बनाती रहूँगी और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। रेसिपी के साथ साथ मुझे जो भी चीज़ें आती है मैं वो चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। कर दिया है और अब इसे हम 2 मिनट के लिए वापस से ढक देंगे। भिंडी पक चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ कैसे भी खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। और अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और जब आप इसे परोसें तो जो इसमें टूथपिक लगी है वो आप निकाल दें, उसके बाद ही आप इसे परोसें या सर्व करें। ये देख सकते हैं भिंडी बन के रेडी है। अगर